बहादुर जवान सीमा पर दिन रात हमारी रक्षा कर रहे हैं। आज हम उन सब का सम्मान करते हैं। हम खुश नसीब हैं कि हम स्वतंत्र भारत देश में जी रहे हैं। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। विविधता से एकता हमारा देश की पहचान है। चलिए आज हम सभी भारतवासियों मिलकर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारा देश की को दुनिया का सबसे अच्छा देश बनाने में के सच्चे मन से प्रयास करेंगे। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा के हिंदुस्तान सम्मान का है। आओ झुककर करें सलाम उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब हैं हम वो लोग जिनके लहू इस देश के काम आता है। थैंक यू मैम। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रवीण। अब मैं रूपाली यादव को आमंत्रित करना चाहूंगी। रूपाली। यस मैम। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य एवं सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं रूपाली सबसे पहले आप सभी को 75वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि आज के इस शुभ अवसर पर आपके समक्ष मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला। जैसा कि हम जानते हैं कि आजादी के जिस सवेरे को आज हम सभी यहाँ देख रहे हैं, वो आजादी हमें रातों रात नहीं मिली। इस आजादी के लिए भारत के कई वीर सपूतों जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और खुदीराम बोस आदि ने अपने प्राणों की आहुतियां दी है। आज स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं उन सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए नमन करती हूँ। हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त सन 1947 को भारत को कई वर्षों के प्रयासों के बाद आजादी की पहली सुबह की प्राप्ति हुई थी। इस दिन पहली बार भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था। आज भारत को आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं और आज भी भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रध्वज तिरंगे को फहराकर पूरे देश को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आखिर में मैं भी आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रूपाली। अब नेक्स्ट है पूजा कुमारी। पूजा। यस मैम। सुप्रभात, मैं पूजा कुमारी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी के सामने कुछ पेश करना चाहती हूँ। ना पूछो जमाने से कि क्या कहानी है मेरी, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी अध्यापकगण, मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सब यहाँ पर अपने देश के 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी के सामने स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। 15 अगस्त भारत वर्ष का राष्ट्रीय पर्व है। भारत देश वर्ष 1957 से वर्ष 1857 से 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम लड़ने के पश्चात ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 को मुक्त हुआ और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तभी से भारतवासी इस देश को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस साल भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट रखी गई है। परंपरा के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये लगातार 8वीं बार होगा जब प्रधानमंत्री लाल किले से अपना भाषण देंगे। टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेता सभी एथलीटों को इस आयोजन के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन भेजा गया है।
कोरोना महामारी के चलते पिछले साल की तरह इस साल भी आयोजन में भी लोगों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी और किसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। देश की आजादी पाने के लिए बहुत से क्रांतिकारी सेनानियों ने बलिदान दिया, जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस आदि बहुत सारे ऐसे बलिदानी थे जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमारे देश को आजाद किया। आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया और कई बार तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य भारत देश को ब्रिटिश शासन से आजादी दिलाना था। और काफी अत्याचार सहने और संघर्ष के पश्चात फलस्वरूप हुए सफल हुए। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ लाइनें कहना चाहूंगी। नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, गुलामी की मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया और भारत माँ को आजाद कराया। और अंत में ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगों को हमेशा दिल में बसाए रखना। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद पूजा। अब लास्ट में आमंत्रित करना चाहती हूँ सेजल। सेजल आप स्टार्ट कर सकते हैं। सुप्रभात, मैं सेजल मोडगर ओम्स काफीबाग फार्मेसी कॉलेज से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व हम सभी यहाँ ऑनलाइन के माध्यम से एकत्रित हुए हैं कुछ इवेंट्स को मनाने के लिए। इसमें से एक इवेंट है हिंदी स्पीच, जिसमें मेरा विषय है स्वतंत्रता सेनानी। जन जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसि, ये हमारे महान क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी का ध्येय वाक्य था। उन्होंने हमेशा यह कहा है, हमारे लिए हमारी मातृभूमि, हमारी कर्मभूमि, हमारी जन्मभूमि सब चीज से बढ़कर है। शहादत की सूची में कई ऐसे महान हुए छोटे बड़े बूढ़े भी जवान हुए, दुश्मनों को उनकी मार न देकर अपने प्राणों का भी दान दिया। महान है सत्सत नमन, कोटि कोटि नमन है वो स्वतंत्रता सेनानी को जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। वीर कुंवर सिंह जी ने 7 साल से ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी, अपने एक हाथ कट जाने के बावजूद भी, उन्होंने स्वतंत्र भारत को कराने के लिए एक युद्ध लड़ा था। यह स्वतंत्रता हमें यूं ही प्राप्त नहीं हुई है, इसके लिए अथक प्रयास हुए, उसके बाद जाकर के कई हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई है। स्वतंत्रता नाम है बलिदान का, स्वतंत्रता नाम है परिवर्तन का। आप सभी को पता ही है कि स्वतंत्रता संग्राम के हवन कुंड में दिए गए प्रत्येक आयु वर्ग लिंग वर्ण जाति भेद का जो एक राष्ट्रीय समर्पण के एकत्रीकरण की संपूर्ण भाव से उभरी हुई ज्वाला को ही हम क्रांति कहते हैं। और जो लोग इस क्रांति में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे, हम उन्हें स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जानते हैं। इन वीरों ने अपने कर्म कर्तव्यों तथा प्राणों की परवाह ना करते हुए देश को अपना जीवन समर्पित कर दिया था, इसलिए आज हमारा मस्तक इनके स्मरण मात्र से ही नतमस्तक हो जाता है। आज उनके ही द्वारा दी गई आहुतियों के कारण हम स्वतंत्र हैं, हमारा देश स्वतंत्र है। आज इनका नाम हमारे इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। इसके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी। नमन है उस माता को जिसने ऐसे संतान दिए, युद्ध भूमि में जिसने सिर्फ जीत के ही रुझान दिए। नमन है उस देह को जिसने जंग में भी अपने प्राण दिए।
स्वतंत्रता सेनानी ऐसे लोग थे जो इन ब्रिटिश लोगों के सामना करने और उनके साथ ही अपने देश को स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए लड़ने की हिम्मत रखते थे। वे भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए बहुत पीड़ा से गुजर रहे थे। लोग हमेशा इनको इनकी देशभक्ति और समर्पण के लिए याद करते हैं। ये सेनानी वर्ग के अंत में दो गुट में बट गए थे। एक कहते थे कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो दूसरे कह रहे थे कि हम अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। इन्हें हम दो वर्ग में जानते हैं, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। गरम दल की अगुवाई गरम दल की अगुवाई भगत सिंह जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी कर रहे थे, तो वहीं नरम दल की अगुवाई महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष कर रहे थे। स्वतंत्रता और क्रांति एक दूसरे के पूरक है। क्रांति के बिना स्वतंत्रता की प्राप्ति मुमकिन नहीं थी। क्रांति का हिंसा से कोई मतलब नहीं है और ना ही अहिंसा से मतलब है। इसका मतलब तो केवल स्वतंत्रता पाना होता है। भगत सिंह जी ने कहा था, इंकलाब जिंदाबाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इंकलाब जिंदाबाद का शाब्दिक अर्थ होता है परिवर्तन, अखंड परिवर्तन, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन उस चीजों का, परिवर्तन उस चीज का जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। परिवर्तन उस बेड़ियों का जो हमें जंजीर के बलबूते जकड़ कर रखती है। 1857 ईस्वी में मंगल पांडे जी के द्वारा की गई क्रांति की शुरुआत का बिगुल बजाया गया था और तब से लेकर के 1957 तक युद्ध चला। इस बीच में कई सेनाएं आई जहां आजाद हिंद फौज का नेतृत्व भगत सिंह जी कर रहे थे। उसमें मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक लंगड़े व्यक्ति थे जो आजाद हिंद फौज में भगत सिंह जब उसका गठन मामयान में कर रहे थे, तो वो उनके पास आए और बोले, भगत सिंह जी मैं भी इस इवेंट का हिस्सा होना चाहता हूँ। तो भगत सिंह जी ने कहा, तुम तो एक पैर से अपाहिज हो, तुम युद्ध कैसे लड़ोगे? तो उन्होंने बड़े ही प्यार से कहा था कि भले ही मैं एक पैर से लंगड़ा हूँ, पर अंग्रेजों की आई हुई एक गोली का सामना तो मैं कर ही सकता हूँ। आप इसका मतलब देख ही रहे हैं। उस समय में वीरों की जज्बा और भले ही वह अपने शरीर से डैमेज थे, पर उनका जज्बा एक 10 साल से बच्चे से कम नहीं था। शरीर लंगड़ा होने के बावजूद भी वह उस युद्ध में पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे। आज की युवा पीढ़ी को ऐसा ही होना चाहिए, अपने देश के प्रति समर्पित होना चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद होने का जज्बा रखना चाहिए। और अब मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, आजादी के जंग में अब अपने जीत का जश्न मनाएंगे। पूर्ण पराक्रमता से हम अब यह तिरंगा भी लहराएंगे। और सारा जग कह रहा है इस माटी से अब ये अंग्रेज भी यहाँ यही तिरंगा फहराएंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। धन्यवाद सेजल। इसी के साथ हमारा हिंदी स्पीच का कंपटीशन खत्म होता है और एक स्पेशल रिक्वेस्ट है बाय खुशी इंग्लिश स्पीच के लिए। सो खुशी, आर यू रेडी फॉर इंग्लिश स्पीच? यस मैम। ओके खुशी, टर्न योर वीडियो ऑन एंड स्टार्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। माय नेम इज खुशी। Today we have gathered here to celebrate this great national event. I am feeling so proud to be an Indian citizen of the national event. I am feeling so proud to be an Indian citizen. I have such a great chance to give a speech on this Independence Day in front of you all. I would like to say thanks to my respected teachers. He has given me an opportunity to share my views with you all about the freedoms of India. We all know that Independence Day is an auspicious occasion for all of us. Today we are free because of the great Indian leaders who struggled hard for many years to get freedom against British rule. Today is a very significant day for all of Indians.
which we celebrate remembering sacrifices of great Indian leaders who had given their lives for the freedoms and prosperity of country. Freedoms of India was possible because of the cooperation, sacrifices, involvement of all the Indians. We should value and salute all the Indian citizens because they are real national heroes. We are so lucky that our forefather has given us a land of peace and happy, where we can sleep the whole night without fear and enjoy the whole day in our school or home. Our country is developing very fast in the field of technology, education, sports, finance, and various other fields, which were almost impossible before freedoms. India is our country, and we are the citizens. We should always be ready to save it from the bad people. It is our responsibility to save our country. We should take an oath of being highly responsible and well educated of the India tomorrow. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Thank you, Fuzi. Now all the speech competition is over now. Now it's time for quiz. The names are Pritam Mandal, Ranjan, Ravi, Sujesh, Amrita, Pooja, Pankaja, Amit, Ritik, Nitish, Om Ranjan and Sejal. All are here? Sare log hai yahan pe? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, 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 okay. To jitne log hain, wo sare log video on karenge pehle. Pritam, Ranjan. Yes, ma'am. Ravi, Sujesh, video on kijiye. Pooja, Pankaja. Amrita. Okay. Nitish, video on kijiye. Sejal. ओके एक बार फिर से हम नाम बोल रहे हैं प्रीतम वीडियो ऑन है रंजन वेयर इज रंजन वो नहीं है रंजन का नाम आवाज ही नहीं आ रहा ओके रंजन आउट है इस गेम से रवि है सुजेश ओके अमृता वीडियो ऑन कीजिए प्लीज ओके पूजा कुमारी पूजा कुमारी वीडियो ऑन है पंकजा ओके अमित कुमार ऋतिक एक बार अमित कुमार को फोन करके बोलो जल्दी से ऑनलाइन होए ऋतिक वीडियो ऑन कीजिए नीतीश ओम रंजन ओके सेजल ओके सारे लोग हैं यहाँ पे सभी अभी क्वेश्चंस 10-10 राउंड का होगा एक एक मार्क्स का क्वेश्चन ओके तो एक एक कर पर्सन वाइज आपके पास जाएगा क्वेश्चन रिपीट दूसरे से नहीं होगा नरेश का नाम कहाँ लिखे हैं आप ओके नरेश भी हैं ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट स्क्वीज में आप भी वीडियो ऑन कर सकते हैं नरेश चौधरी और कोई इंटरेस्टेड है तो इंस्टेंट में अपना नाम दे सकते हैं अगर कोई क्विज के लिए इंटरेस्टेड है तो इंस्टेंट में अपना नाम दे सकते हैं अभी स्टार्ट नहीं हुआ है क्विज Thank you.
ओके तो सारे लोग अपने खुद को म्यूट कर दीजिए, काफी ज्यादा साउंड हो रहा है। जिनसे क्वेश्चन होगा वही सिर्फ खुद को बताया जाएगा किनको अनम्यूट होना है, बाकी सारे लोग म्यूट हो जाइए। ओके फर्स्ट क्वेश्चन प्रीतम से, साथ में प्रीतम खुद आपके पास काफी कम समय रहेगा, आपके पास टाइम लिमिटेड है, कितना टाइम दे 30 सेकेंड्स। ओके वो ओके तो स्टार्ट कीजिएगा, 30 सेकेंड्स का टाइमिंग है आपके पास, कहीं से हेल्प नहीं लेना है आपको। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन के। विटामिन के, ओके राइट आंसर। ठीक है सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम रवि, रवि कुमार दास अनम्यूट कीजिए खुद को। यस मैम। आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडिंग काउ इज द लीडिंग काउज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, कलर ब्लाइंडनेस, विटामिन ए डेफिशिएंसी। बच्चों में सबसे ज्यादा अंधापन किस वजह से हो रहा है, ग्लूकोमा की वजह से, कैटरेक्ट की वजह से, कलर ब्लाइंडनेस की वजह से या विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से? विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। वेरी गुड राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम सुजेश गुप्ता। यस मैम। सुजेश आपसे क्वेश्चन है कि Which of the following is a reducing sugar? इनमें से कौन सा reducing sugar है? Reducing और non-reducing sugar के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो आपका option है glucose, उसके बाद answer है maltose, third option है आपका dihydroxyacetone और fourth option है आपका all of those, all of above, जो भी answer है आपका। Reducing sugar इनमें से, very good right answer। उसके बाद आप फोर्थ क्वेश्चन है फ्रॉम अमृता प्रीतम, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैचराइड्स इज द मैटर, फ्रॉम अमृता प्रीतम से क्वेश्चन है। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैचराइड्स इज द मेजोरिटी फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, सबसे ज्यादा मोनोसैचराइड किस फॉर्म में पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, डी टाइप, एल टाइप, एल डी टाइप, नॉन ऑफ अबव। डी टाइप, एल टाइप, एल डी टाइप या नॉन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। None of the above. Wrong answer, अमृता, सबसे ज्यादा डी फॉर्म में पाया जाता है, डी टाइप का पाया जाता है। ओके उसके बाद एक मिनट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पूजा। यस मैम। आपसे क्वेश्चन है कि नाइट ब्लाइंडनेस काउज ड्यू टू लैक ऑफ विच विटामिन, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी। रतौंधी किस वजह से होता है, किस विटामिन्स की कमी की वजह से होता है, ए डी, ए डी ई के। मैम के, सॉरी मैम, ए ए। नहीं, अब आपका फर्स्ट ऑप्शन आपने जो चूज किया वही आपका राइट आंसर होगा, तो इस हिसाब से आपको 0 मार्क्स मिलता है, नेक्स्ट टाइम आप ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पंकजा। यस मैम। पंकजा, पोलियो इज अ टाइप ऑफ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन विच इज काउज्ड ड्यू टू काउज्ड बाय इधर वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी और फंगी। पोलियो किस वजह से होता है, वायरल है, बैक्टीरियल है, एल्गी है, फंगल है? वायरल। आर यू श्योर? माइंड सर,
श्योर हैं आप आंसर से? नो मैम. तो आंसर बताइए क्या होगा आपका फाइनल आंसर विद इन टू सेकेंड. बैक्टीरियल. सॉरी पंकज, आपका वायरस सही था बट आपने श्योर आंसर जो बैक्टीरिया बताया वो गलत हो गया. आपके पास तुक्का नहीं मारना है, ठीक है? हम आपको कंफ्यूज कर सकते हैं. पोलियो हमेशा वायरल डिजीज है, मैंने पढ़ाया है, HECP का ही क्वेश्चन है ये, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आया है. चलिए अभी 0-0 अमृता पूजा पंकज तीनों 0 पे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अमित कुमार. अमित कुमार. यस मैम. ओके वीडियो ऑन कीजिए आप. अमित कुमार. ओके अमित कुमार, आपका क्वेश्चन है रिकेट्स एंड मसल स्पाज्म आर डेफिशिएंसी ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम पोटेशियम सोडियम क्लोरीन. रिकेट्स और मसल स्पाज्म. कैल्शियम. ओके अमित कुमार वेरी गुड, योर आंसर इज करेक्ट. नाउ HR ऋतिक रोशन, आपका क्वेश्चन है सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज इज ब्लड विजन फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हाई शुगर लेवल ऑल ऑफ दीज. डायबिटीज के क्या क्या सिम्टम्स हैं? ब्लड विजन फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हाई शुगर लेवल ऑल ऑफ दीज. क्या बोल रहे हैं आंसर? रिपीट अगेन मैम. सिम्टम ऑफ डायबिटीज इज ब्लड विजन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हाई शुगर लेवल ऑल ऑफ दीज. दो बार से अब ज्यादा नहीं बोला जाएगा, जल्दी बताइए. 30 seconds आपका रनिंग हो रहा है फर्स्ट क्वेश्चन से ही. 0 marks ऑल ऑफ दीज. सारा सिम्टम्स होता है डायबिटीज का. ओके नेक्स्ट है नीतीश. नीतीश टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज 206, 208, 210, 230. ही पूछ रहा है ना सबसे भी. विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज बेरी बेरी. विटामिन B1, B2, B6, B12. बेरी बेरी किसकी वजह से होता है? B1, B2, B6, B12. B12. रॉन्ग आंसर B1. सेजल, अनम्यूट योरसेल्फ. ओके सेजल, नेम द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड. एलानिन, टायरोसिन, एस्पेराजिन, अग्लाइसिन. सिंपलेस्ट अमीनो एसिड. एलानिन, टायरोसिन, एस्पेराजिन, ग्लाइसिन. एलानिन. रॉन्ग आंसर सेजल. ग्लाइसिन. बताओ मैम. नहीं दूसरे को नहीं, बिल्कुल नहीं बताना है. अगर आप क्विज में पार्ट करना चाहते हैं तो हम आपका नाम लिख देंगे. कौन है? वाल्मीकि. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ये कौन है? नरेश. ओके नरेश चौधरी वीडियो में आइए और अनम्यूट कीजिए खुद को. यस मैम. आपका क्वेश्चन है हार्ट बीट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पैपिलरी मसल्स एसेनोड एवीनोड पुरकेंजे फाइबर्स. हार्ट बीट ओरिजिन कहाँ से होता है, ओरिजिनेट कहाँ से होता है? पैपिलरी मसल्स एसेनोड एवीनोड पुरकेंजे फाइबर्स. हार्ट बीट एसेनोट्रल. क्या बोले मैम, फिर से एक बार बोलिएगा. पैपिलरी आर्ट्रियम तो ऑप्शन नहीं है. पैपिलरी मसल्स एसेनोड एवीनोड पुरकेंजे फाइबर्स. पहला वाला मैम. पैपिलरी मसल्स. रॉन्ग आंसर एसेनोड्स. आप जो फुल फॉर्म बता रहे हैं आपको उसका शॉर्ट फॉर्म भी पता होना चाहिए.
सिनोवियल जो आप बता रहे हैं उसी का शॉर्ट फॉर्म एसए नोड होता है, आप शायद कहीं से देख के बता रहे हैं, अभी इसको पता नहीं है कि एसए नोड है उसका, तो आपको उसका तो पता होना चाहिए ना शॉर्ट फॉर्म की, उसका शॉर्ट फॉर्म ही एसए नोड है। ओके नेक्स्ट राउंड आपका अब स्टार्ट होता है फ्रॉम प्रीतम। अभी नेक्स्ट राउंड जो आपका है अब आपका जीके क्वेश्चन रहेगा। मैम हमसे क्वेश्चन नहीं किए, कौन है? प्रवीण। हम प्रवीण कुमार। ओके प्रवीण का नाम ही नहीं लिखे, ठीक है आपसे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। और कोई पार्ट करना चाहते हैं? प्रवीण 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 आपसे क्वेश्चन है कि बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी क्या है? नेफ्रोन, पायरामिड, हेनलिस लूप और नेफ्रिडिया। बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी, नेफ्रोन, पायरामिड, हेनलिस लूप, नेफ्रिडिया। नेफ्रोन मैम। ओके वेरी गुड, चलिए वन राउंड कंप्लीट हो गया और जीरो मार्क्स के साथ।